जप करते हैं, डेली हम जप करते हैं 2 घंटा, तो अपना संपूर्ण लगाइए, प्रयास करिए, आप हार्टेड नहीं, फुल हार्टेड होकर करिए सब कुछ। और ऐसा मत सोचिए कि हम जब हम जप करते हैं तो हमारे साथ भगवान का आदान प्रदान नहीं होता है। भगवान कभी कभी रस का अनुभव कराते हैं हमें, ध्यान दीजिए, भगवान कभी कभी रस का अनुभव कराते हैं। कभी ऐसा अनुभव होता होगा आपको कि आप जब जप करते हुए तो बहुत आनंद आता होगा, और कभी कभी नहीं आता है। ऐसा इसलिए कि थोड़ा सा रस दे देते हैं भगवान, इतना स्वादिष्ट है ये, इतना टेस्टी है, चलो लगे रहो लगे रहो। कभी कभी छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं, जब इसको ढक लेते हैं तो भगवान देखना चाहते कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा बच्चा, ये मेरा संतान, क्या मैं जब रस नहीं दूंगा इसे तो भी ये मेरी सेवा करेगा, मेरा भजन करेगा ना। भगवान इस बात को गोपियों को बताते हैं कि मैं तुरंत साधक के बीच में प्रस्तुत नहीं होता, ध्यान रहे समय लगता है, नहीं तो लगेगा कि कृष्ण बड़े आसानी से प्राप्त हो, बड़े बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ध्यान रखिए कृष्ण जल्दी से हाथ में आते नहीं, रोज 16 माला करो, 24 एकादशी करो, मंगला आरती करो, संध्या आरती करो, गीता क्लास, भागवत क्लास लो, तब जाके अंतिम में मिलते भगवान ना। और जब मिल जाते ना, एक बार कंठी पहनो, तिलक पहनो, तब भगवान मिलते हैं, और जब मिल जाते हैं ना फिर छोड़। अब देख लीजिए पुतना को, किसी के हाथ में हमारे कृष्ण जल्दी से आते नहीं, लेकिन जब आ जाते हैं तो छोड़ते नहीं। पुतना कहने लगी, समुंचा मुंचा, हे कृष्ण मेरे को छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन भक्तों कृष्ण जो है जल्दी से किसी के हाथ में आते नहीं, और आ गए यहां तक छोड़ते, एक बार पकड़ लिया तो छोड़। कभी कभी यदि जब में हमें ना रस लगे तो ये सोचना चाहिए भगवान देखना चाह रहे, हमारा पुत्र को यदि हम रस नहीं दे रहे तो ये हमारे लिए भक्ति करता है कि उसके कंसियसनेस हो गए जब कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा Yeah.